हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ मस्त खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 11। नाश्ता वास्ता कब का कर लिया था, बस लेटे थे, हमने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें हो जाएं। गेहूं बाहर डाल रखा है, बस उसी पे नजर बनाए हुए हैं क्योंकि धूप इतनी तेज है और हो सकता है बारिश भी हो जाए, तो अगर हम सो जाएंगे तो फिर गेहूं भीग जाएगा, 3 दिन की मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों ने कहा था कि दी आप अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा शुरू से लेके, मतलब कैसे आप मोटी हुई, क्या हुआ क्या नहीं। देखिए अब बात तो इतनी ज्यादा पुरानी है, इतना ज्यादा तो मुझे याद है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करने की कि हम मोटे कैसे हुए और कहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नी। हो सकता है शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसीलिए आज इस वीडियो में हमने ज्यादा कुछ कुकिंग का शूट नहीं किया है, बहुत कम ही शूट किया है, क्योंकि आज मुझे आप लोगों से बातें करनी थी। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मुझे थायराइड से। मेरे बच्चे जब नहीं हुए थे ना, तभी से मुझे थायराइड हो गया था, यानी कह सकते हैं जब मैं गोरखपुर में आई तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, पेट से प्रॉब्लम होने लगी, पीरियड से। सबसे ज्यादा थायराइड में जो दिक्कत होती है ना, वो पीरियड्स का अनियमित हो जाना, मतलब आपको माहवारी की दिक्कत हो जाती है, पीरियड्स जो है ना टाइम से नहीं आते हैं, तो मुझे भी कुछ इस तरीके से दिक्कत हुई। तो मैंने जाके लेडीज डॉक्टर को दिखाया, तो सबसे पहले उन्होंने थायराइड की जांच लिखी। जब थायराइड की जांच लिखी तो उसमें थायराइड आया और धीरे धीरे थायराइड की वजह से शरीर फूलता चला गया, स्वेलिंग आते गए। कभी कभी ना, ऐसे नाम तो बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा है थायराइड का, लेकिन ये छोटी सी बीमारी शरीर में कितनी ज्यादा परेशानी और दिक्कत पैदा कर देती है ना, इसको वही जानता है जिसके साथ ये होता है। कहते हैं जाकी पैर फटी ना बिवाई, उका जाने पीर पर आई। तो बस ऐसे ही ये वाली बीमारी है, जिसको होता है ना वही जानता है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा पहला बेबी आया, उसके बाद से मेरा मोटा होने का सफर शुरू हो चुका था, क्योंकि जब बच्चा पेट में आता है ना तो फिर माँ अपना ध्यान नहीं रखती है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का ध्यान रखती है, बच्चा हमारा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो और अच्छा हो, हेल्दी हो, खाने पीने का ध्यान रखती है अपने। तो बस खाने पीने का हमने अपना कुछ ज्यादा ही ध्यान रखा, हो गए मोटे, फिर मोटे होते चले गए। जब बच्चा हुआ 9 महीने बाद, तो फिर से वही खान पान, अपना क्या कहते हैं सूखे मेवे दूध, फिर से खान पान शुरू हुआ। एक तो थायराइड था, दूसरे इतना ज्यादा खान पान, फिर से मोटापा बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मेरा मोटापा कभी घटा ही नहीं, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और हमने भी ना कंट्रोल किया ही नहीं। कहते हैं जब कंट्रोल करना चाहिए तो तब तो कंट्रोल होता नहीं, जब सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब हम लोग कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो जब सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी तो इतनी जल्दी थोड़ा ही कंट्रोल होगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा नहीं कंट्रोल होने में। फिर जब इतने ज्यादा मोटे हो गए, 95 के हो गए, मतलब फर्स्ट बेबी हुआ, सेकंड बेबी हुआ, उसके बाद तो फिर सारा का सारा ध्यान अपने बच्चों पे ही देने लगी, खुद का ध्यान रखना हमने छोड़ ही दिया, मतलब खुद के लिए कह सकते हैं जीना छोड़ दिया। एक माँ होती है ना अपने बच्चों के लिए, अपनी खुद की जो कहते हैं शान शौकत श्रृंगार सब कुछ त्याग देती है अपने बच्चों के लिए। फिर मैं भी वही किया, हमने भी वही किया भाई, हमने भी सब कुछ अपने बच्चों पे न्यौछावर कर दिया, अपनी सुंदरता, अपनी सब कुछ जो मिलता था खाते थे पीते थे, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना, दोनों बच्चे छोटे थे, ज्यादा गैप दोनों बच्चों के बीच में नहीं है, 1.5 साल का अंतर है दोनों का, बेटा और बेटी का, तो दोनों बच्चों को संभालना सिर्फ माँ अकेले, पापा भी उनके ड्यूटी करते थे और कोई कहती है जब ज्वाइंट फैमिली होती है तो बच्चों का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है, दादा दादी बुआ चाची ताऊ ताया सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं कहीं शहर में रहते हैं तो फिर आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा दोनों बच्चों का। तो दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी, जो मिलता था खाती थी, मतलब मिलता था क्या, मेरा मुंह एक बार बंद नहीं रहता था। जब सारे चीज इतने ज्यादा खाएंगे और अपनी एनर्जी को हम कहीं निकालेंगे नहीं, जैसे टहलने नहीं जाएंगे, वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो कैलोरी हमारे शरीर में इकट्ठा फैट के रूप में जम जाती है और धीरे धीरे हम मोटे हो जाते हैं। ये जो मेरे हाथ देख रहे हो आप, इतने मोटे थे, ये हाथ जो देख रहे हो ना इतने मोटे थे, ये कमर का तो मुझे अंग्रेजी में नहीं आता, सीधे सीधे मैं कमर कहूंगी, कमर के इधर 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 इतना ज्यादा निकला था। जो भी कपड़े सूट पहनते थे, साड़ी पहनते थे ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। पहली बात तो डबल एक्सल लगता था, जब ट्रिपल एक्सल लगता था, इतना ज्यादा ढूंढने पे मिलते नहीं थे। जो भी पसंद के कपड़े मिलते थे ना, वो तो फिर ट्रिपल एक्सल में मिलते ही नहीं थे। मतलब मोटा होने का ये भी एक रीजन होता है कि आपको साइज के कपड़े नहीं मिलते हैं, फिटिंग के कपड़े नहीं मिलते हैं, जो आपको पसंद आता है वो नहीं मिलते।
तो कहने का मतलब मैं काफी ज्यादा बहुत ज्यादा इससे निराश हो गई थी। कहीं ना कहीं एक समय आ चुका था साइज की चूड़ियां ना मिलना, साइज के कपड़े ना मिलना, अपने मनपसंद चीजों को पहन ना पाना, तो खुद कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी हो जाती है इंसान के अंदर। धीरे धीरे वो सोचता है कि मेरा ये कम हो जाए वजन। फिर मैंने भी सोचना शुरू किया, बहुत दिन से सोच रही थी कम करूं। फिर फाइनली मैं यहाँ सरकारी क्वार्टर में आ गई, फिर से यहाँ मुझे टहलने की आजादी, घूमने की आजादी, वॉक करने की आजादी, सब चीज की आजादी मुझे मिली। हालांकि आजादी वहां भी थी मुझे, लेकिन वो आजादी मतलब क्या कहते हैं ना, जैसे दोनों बच्चों को संभालना होता है, फिर बच्चों के लिए कहते हैं तेल लगाना, उनकी मालिश करना, बच्चे छोटे छोटे थे, पोटी साफ करना, मतलब पूरा टोटली एक माँ के ऊपर आ जाता है। बच्चे एक रहे तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब दो बच्चे आपके छोटे छोटे हैं तो उनको संभालना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मैं क्या बताऊं, आप अगर आप लोग एक माँ होंगी तो शायद आप लोग बाखूबी से इस बात को समझती होंगी। तो बस सारा ध्यान बच्चों पे देती थी, अपना जो कुछ मिलता था, मुझे भूख लगी होती थी तब भी खाती थी, नहीं लगी होती थी तब भी खा लेती थी, कुरकुरे चिप्स ये सब बहुत पसंद थे, बस खाया जाती थी। ना मुझे थायराइड का ध्यान होता था, ना मुझे मोटे होने का ध्यान होता था। लेकिन जब खूब ज्यादा मोटे हो गए, 95 के हो गए, तब मुझे एहसास होने लगा कि अब मुझे अपना वजन कम करना है किसी भी तरीके से, चाहे जो हो जाए। फिर मैंने शुरू की जर्नी यूट्यूब से देख के, मैंने सर्च किया काफी सारे वीडियो, 32 बार फार्मूला स्वीकार सर का आया, इससे काफी लोगों ने अपना वजन कम किया है। तो फिर हमने भी ट्राई किया, कुछ दिन ट्राई करते फिर छोड़ देते, क्योंकि कोई चीज होता नहीं है ना हम लोगों से। तो फिर इस बार हमने जब शुरू किया, इस बार ठंडी से हमने शुरू किया, पूरा 6-7 मंथ से हमने एकदम से चीनी मुनी छोड़ के, भैया एकदम से सब कुछ कंट्रोल करके, बाहर की चीजों पे भी कंट्रोल करके, क्योंकि कंट्रोल करना हमने काफी दिनों से शुरू किया ना, तो धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। तो बस इस तरीके से हमने सब कुछ छोड़ दिया, धीरे धीरे वजन कम हो गया, एक्सरसाइज भी करने लगे थे बीच में, जुम्बा डांस जिसको कहते हैं, जुम्बा डांस काफी ज्यादा मतलब हार्ड एक्सरसाइज है, मतलब उसमें इतना ज्यादा स्टेप होते हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो आप सबको मतलब यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आपको हर कैटेगरी की हर चीज मिल जाएगी, आप जो भी ढूंढेंगे यहाँ पे सब मिल जाएगी। तो वहाँ पे जुम्बा डांस एक हमारे यही गोरखपुर की हैं, एक प्रिया नाम की, वो आई थी, तो उन्होंने बताया था उनका भी वजन काफी ज्यादा बढ़ा था, तो उन्होंने पूछा आपने कैसे कम किया अपना वजन, तो उन्होंने बताया कि हमने जुम्बा डांस से कम किया। उनके भाई मुझे भी लिंक शेयर करना, मैं भी करूंगी। हाँ, लेकिन दिक्कत होती है, कोई भी आप काम करेंगे उसमें पहले तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे करके आप अपना वजन कम करें। देखिए जब हम मोटे होते हैं तो 10 सालों में 15 सालों में मोटे हो जाते हैं धीरे धीरे करके, तो फिर वजन तो भी आपको इसी तरीके से धीरे धीरे कम करना होगा ना, एकाएक थोड़ी कोई हो जाता है। आप कंट्रोल कीजिए, सबसे पहले आप अपने खाने पे कंट्रोल करेंगे, जितनी ज्यादा कम कैलोरी वाला खाना खाएंगे आप उतनी जल्दी पतले होंगे। कम कैलोरी से मतलब आप फाइबर ज्यादा लें, और क्या कहते हैं पनीर, जिसमें क्या कहते हैं मुझे तो इतना ज्यादा याद भी नहीं रहता, बट कहने का मतलब यह है कि आप हेल्दी लें। पनीर में क्या होता है, जैसे आप नट्स लें, स्प्राउट लें, ये सब सारी चीजें लें, जैसे मतलब आप क्वांटिटी कम करके खाएं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं बताने को, मुझे उतना ज्यादा याद ही नहीं रहता। बस आप लोग देखते होंगे मैं सिंपल तरीके से अपना डाइट लेती हूँ, हाँ जितना खाती हूँ ना बस उतना, मतलब जैसे खाने का 4 भाग होता है तो मैं 1 भाग खाती हूँ, बाकी 3 भाग नहीं खाती हूँ। तो बस धीरे धीरे करके हमने अपना वजन कम कर लिया, अब आप पतले फिट लग रहे हैं भाई, अब 66 के हो गए, आप लोग देखते ही होंगे, मुझे भी देख के खूब अच्छा लगता है। हालांकि अब सब लोग कहते हैं कि अब मत पतला हो, फेस तो उतना ज्यादा नहीं है ऐसे पतला लगता देखने से, लेकिन हाथ पैर और यहाँ पे सारे फैट हुए थे ना, ये सारे के सारे कम हो चुके हैं। तो बस बहुत ज्यादा खुशी होती है, आप लोगों ने कहा था अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा, तो मैंने सोचा चलो भाई आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। आप लोग कहते हैं कमेंट करके ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस देखना यह है कि आप लोग इस वीडियो को कितना सारा लाइक देते हैं, भर भर के लाइक दीजिएगा हो सकता है, और शेयर भी कीजिएगा हो सकता है, जिनको ये दिक्कतें हों उनको भी कुछ फायदा मिले। देखिए थायराइड एक ऐसी बीमारी है ना, इससे कभी आपको निजात नहीं मिलेगा। अगर आपको थायराइड है तो परमानेंट आपको दवा लेनी पड़ेगी थायराइड की, आपको उसी हिसाब से जैसे आपका वजन होगा 25 mg 50 mg 75 100, आपके वजन के हिसाब से आपको दवाइयां देते हैं डॉक्टर लोग, और थायराइड का चेकअप आप 6 महीने साल भर में करवाते रहें
वैसे मैं तो जब दिक्कत होती है कोई तभी ही करवाती हूँ। सबसे ज्यादा थायराइड से मुझे जो दिक्कत हुई है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे पीरियड्स में हुई है, क्योंकि मेरा पीरियड्स ऐसा होता ना, 2 महीने आता था, कभी 3 महीने में आता था, मतलब इतना ज्यादा दिक्कत होती थी उससे, इतना ज्यादा चिड़चिड़ाना, मतलब गुस्सा, खुद पे कंट्रोल ना कर पाना, मतलब बहुत सारी समस्याएं हो गई थी उसी एक चीज से। अगर वो चीज ना हो महिलाओं को तो सोचिए उससे कितनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे यही हुई थी। और दूसरी दिक्कत हुई थी कि धीरे धीरे मोटा मोटा, पता नहीं थायराइड से हुए थे या फिर अपने खाने पीने से हुए थे या फिर प्रेगनेंसी से हुए थे, ये तो मैं कभी समझ ही ना पाई कि मैं मोटी क्यों हुई थी। बस ये रीजन था कि हाँ मुझे थायराइड था, कोई पूछता था तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं थायराइड से मोटी हुई, बट ये रीजन मैंने कभी पता ही नहीं पाया कि मैं मोटी क्यों होती गई बस। और शादी के पहले मैं 50 थी, लेकिन धीरे 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 करके मैं 15-16 साल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लगभग 14 साल हाँ लगभग 14 सालों में मेरा 95 हो गया था। एक साल इसमें से घटा देते हैं 6 महीने, तो 13 साल में मुझे घटाने में धीरे धीरे करके हमने वजन घटाया। ऐसा नहीं कि 6 मंथ में ही मेरा पूरा वजन घट गया था 95 से 66 आया, ऐसा नहीं था। बीच बीच में भी हम कंट्रोल करते थे, कोशिश करते थे कंट्रोल करने की, लेकिन होता नहीं है ना एकाएक कोई चीज। तो बस इस बार हमने पूरी तरीके से कंट्रोल किया बाहर की चीजें, हालांकि बाहर की चीजें खाते हैं ऐसा नहीं, स्वाद लेते हैं बस खाते नहीं है। अगर कोई चीज आता है तो इतना सा टेस्ट ले लेते हैं, जैसे मिठाई आती है तो इतना सा टेस्ट ले लेते हैं, जी भर के नहीं खाते थे। पहले क्या होता था, जी भर के नहीं, एकदम मन भर के, पेट भर के, जी भर के, गले तक, यहाँ तक खाते थे। मेरी आदत हो गई थी कि जब तक मतलब वो सामने रखी है तब तक मुझे खाना ही खाना है, मेरी आदत बन चुकी थी ना। कुछ चीजों की जो होती है ना आदत, जब बन जाती है ना तो उसको छुड़ाने में इतना ज्यादा दिक्कत होती है कि क्या ही बताएं। तो बस यही आदत थी मेरी कि हमेशा खाने की, कुछ मिल जाए बस खाती हूँ। और दूसरी दिक्कत ये थी कि मैं खा के तुरंत मतलब आराम फरमाती थी, जरा से भी काम नहीं करती थी, मन नहीं करता था। एक तो छोटे छोटे बच्चे थे, रात को जागते थे बच्चे, दिन में सोते थे, तो मैं बच्चों के साथ सो जाती थी। कुछ भी खा पी के, ब्रेड मिल जाए, चावल मिल जाए, मतलब ऐसा नहीं था कि हेल्दी खाना खाती थी, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं खाती थी। उन सब का रीजन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मोटा होने में काफी ज्यादा हेल्प किया था कि अपना खुद का ख्याल ना रख पाना। ये स्किन आप लोग जो देख रहे हो कुछ भी नहीं लगाते, ये स्किन आपको मेरी यहाँ से कहीं से आपको ना कहीं से भी मतलब व्हाइट दिखती ही नहीं रहेगी, मतलब पूरा स्किन काला हो चुका था। जब मैं कभी जाती थी मायके, सब लोग कहते थे तुम्हारे हाथ की स्किन ऐसी है, तुम्हारे फेस की स्किन ऐसी है, क्यों ऐसी है। मैंने कहा जैसे सारा ग्लो ही चला गया था मेरे चेहरे का, लेकिन जब से वॉक करने जाते हैं या सुबह ठंडी ठंडी हवाओं में टहलते हैं, मतलब सुबह की जो प्राकृतिक हवाएं होती है ना, उसमें कुछ देर टहले, कुछ देर बैठे, कुछ देर योगा करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, रस्सी कूदें, वॉक करें, दौड़े, खेलें, साइकिल चलाएं, मतलब वो जो हवा होती है ना स्किन के लिए, चेहरे के लिए, फेस के लिए, शरीर के लिए, इतनी ज्यादा हेल्दी और लाभदायक होती है मैं आपसे बता नहीं सकती। और मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 6-7 साल हो गए सरकारी कॉलोनी में, तो आप कह सकते हैं 6-7 साल से मेरा टहलना होता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था जितना 6 मंथ से हम टहलते हैं। जैसे 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, जितना मुझे टाइम होता है मैं उतना ज्यादा टहल लेती हूँ। तो पहले इतना नहीं टहलती थी, कम टहलती थी, क्योंकि मुझे वजन कम नहीं करना था, लेकिन 6 मंथ से मुझे वजन कम करना था तो मैं खूब ज्यादा टहलती थी। और टहलने की वजह से मेरे यहाँ जो बगल बगल के ये जो फैट थे ना, वो सब सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। चलिए आप लोगों से अपनी जर्नी फिर किसी आगे वीडियो में शेयर करूंगी, या फिर आप लोग मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी मैं शेयर करूंगी। मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है आपके पास उसको शर्म करने में कैसी कोई बात है। हो सकता है इस चीज से आप सबको कोई फायदा हो, तो आप लोगों से शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी सखी सहेली हैं आप लोग, मेरी बहनें हैं। अगर आप लोगों को ये दिक्कत है मोटापे का, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, धीरे धीरे करके अपना वजन कम करें, कंट्रोल करें, बाहर की चीजें छोड़ दें, खाना धीरे धीरे करके आप खाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दें, खाएं, लेकिन कहते हैं ना कि खाने में और स्वाद लेने में अंतर होता है। खाना क्या होता है, कभी कभी आदमी थोड़ा खाता है, कोई पेट भर के खाता है, कोई गले तक खाता है, कोई इतना खाता है ना कि वो पच भी नहीं पाता। तो बस खाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये हमारा पेट है, रबड़ की थैली जैसा है, आप इसमें कम डालोगे तो कम की आदत पड़ जाएगी, आप ज्यादा डालोगे इसमें ज्यादा की आदत पड़ जाएगी। करना आपको है, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, कैसे हो रहे हो,
अच्छे लग रहे हो कि नहीं अच्छे लग रहे हो, ये आपको फर्क पड़ेगा कि हम कैसे लग रहे हैं, बसूरत लग रहे हैं, सूरत लग, ये आपको तय करना है कि आपको खूबसूरत बनना है, पतला बनना है, कैसे बनना है, कोई नहीं तय करेगा। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो बस इतना करेंगे आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दवा दिला के ले आएंगे, लेकिन आपको कैसा बनना है वो आप तय कर सकते हैं। हालांकि मुझे पतला होने में थोड़ा देर लगा, मैं देर से समझी, क्योंकि कुछ चीजें जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना तभी इंसान के समझ में आती है। तो बस मेरे साथ ही वैसा हुआ था। और आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गई थी आप लोगों से बातें करते करते, मैं सोच रही थी ना बहुत थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगी, लेकिन जब बातें शुरू हो जाती हैं, पुरानी बीती बातें शुरू हो जाती है ना, तो उसमें से एक एक कड़ियां जुड़ती जाती है।